पीटीईटी 2019 से जुड़े समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके उन समस्त समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आप में से बहुत से परीक्षार्थियों की एक कमेंट है जिसमें सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति इस समय जो बनी हुई है वो है पीटीईटी काउंसलिंग की। आपको बता दें, पीटीईटी काउंसलिंग के विषय में अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं कर रहा है और कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन की डेट को ही एक्सटेंड किए जा रहा है। ऐसे में उन साथियों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है जो अभी अभी 12वीं पास किया है और जिनका रिजल्ट आया है। अब उनके सामने दुविधा यही है कि वो डिग्री कॉलेजों में प्रवेश लें या फिर पीटीईटी काउंसलिंग का इंतज़ार करें, क्योंकि जो डिग्री कॉलेज हैं उनमें भी फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और उनमें भी कट ऑफ जारी हो चुकी है, तो वहाँ भी अब एडमिशन फीस जमा होने जा रही है। अब परीक्षार्थियों की दुविधा यही है कि यदि वो पीटीईटी का इंतज़ार करें और पीटीईटी में भी उनका नहीं होता है तो फिर वो क्या करें, तो उनकी पूरी साल ही ख़राब हो जाएगी। दूसरे हमारे वो साथी हैं जो बीए या बीएससी कर चुके हैं, अब स्नातकोत्तर के लिए भी एमएससी या एमए के लिए भी एडमिशन चल रहे हैं, अब उनके सामने भी दुविधा यही है कि वो बीएड दो वर्षीय पाठ्यक्रम करें या एमए या एमएससी करें। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपकी इन तमाम समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो तमाम जानकारियों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथियों, ये राजस्थान के परीक्षार्थियों और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ चैनल है। शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्त अपडेट के लिए सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि साथियों, हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाई जाएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथियों, आपकी यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साथियों, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो साथी आर्ट्स से हैं, कला संकाय के अंतर्गत आते हैं और जिनके पीटीईटी में मान के चलो 200 के आसपास या 210 के आसपास मार्क्स हैं और जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप बिल्कुल भी पीटीईटी का इंतज़ार ना करें और आप अपने डिग्री कॉलेजों में एडमिशन ले लें। तो साथियों, अच्छी तरह से सुन लें, जिन साथियों के 200 या 210 मार्क्स हैं और जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो पीटीईटी का इंतज़ार कतई भी ना करें, वो डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन ले लें। इसी के साथ साथियों, जो एससी और एसटी के हमारे जो बंधु हैं, एससी और एसटी के जो बंधु हैं वो निश्चिंत रहें, उनका इतने मार्क्स पर हो जाएगा, लेकिन यदि उनके 170 180 के आसपास हैं तो वो भी अपने डिग्री कॉलेजों में एडमिशन ले लें। फीमेल्स के लिए ये आंकड़ा एससी की बात करें तो इसमें से आप 10 या 15 मार्क्स कम कर सकते हैं और ये इसी प्रकार से जनरल और ओबीसी में भी अपने 15 मार्क्स कम कर लें। अब बात करते हैं हमारे साइंस वाले बंधुओं की। तो साइंस में जो हमारे बंधु हैं उनको स्पष्ट कर दें कि साइंस वाले जिनके 300 या 310 मार्क्स से जनरल से या ओबीसी से आते हैं तो वो साथी भी उनको कॉलेज पीटीईटी में नहीं मिलेगा, वो भी डिग्री कॉलेजों में अपना एडमिशन ले लें। महिलाओं के लिए बता देते हैं, जनरल ओबीसी में जिन महिलाओं के 300 से कम मार्क्स हैं वो भी डिग्री कॉलेजों में एडमिशन ले लें, उनका भी किसी सूरत में होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं हमारे एससी और एसटी के बंधुओं की। एससी और एसटी के बंधु जो साइंस फैकल्टी से आते हैं उनके मार्क्स यदि 300 से कम हैं तो या 290 के आसपास है तो वो भी ये मान के चले उन्हें भी कॉलेज किसी सूरत में अलॉट नहीं होगा, वो भी अपनी डिग्री कॉलेजों में एडमिशन ले लें, काउंसलिंग करा दें और फीस भर दें। लेकिन इसी के साथ साथियों, आपको एक चीज़ बता देते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी चाहते हैं और आप बिल्कुल डेडलाइन पर आपको उम्मीद है कि मेरा कट ऑफ पॉइंट तक आ सकता है जैसा हमने बताया यहाँ पर हैं, तो आपके लिए एक विकल्प ज़रूर खुला हुआ है कि आप डिग्री कॉलेजों में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ डिग्री कॉलेजों में आप फीस भी भर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या होगा कि जब डिग्री कॉलेजों में नंबर आ जाए और जब पीटीईटी की आप काउंसलिंग कराएं तो पीटीईटी की काउंसलिंग भी कराएं और 5,000 रुपये पीटीईटी काउंसलिंग के भर दें। इसके बावजूद यदि पीटीईटी में आपका नंबर नहीं आता है तो आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रखा होगा तो आराम से बीए या बीएससी बीकॉम करें और
पीटीटी की जो फीस है 5000 काउंसलिंग की, वो आपको 200 रुपये कट के 4800 रुपये रिफंड तो हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको वहाँ भी इतना लॉस नहीं होगा, केवल 200 रुपये आपको कटने होंगे आपके, इसके बाद वो मिल जाएंगे। साथियों लगभग आपको बता दें कि इस बार जो पीटीटी, इसमें प्लस टू के पश्चात आने वाले विद्यार्थी लगभग 70% विद्यार्थी हैं, और उन सभी में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उनके सामने बना हुआ है कि भाई वो कॉलेजों में एडमिशन लें या पीटीटी का इंतज़ार करें। साथियों यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है और आपके अच्छे मार्क्स हैं प्लस टू में, तो आप कॉलेजों में एडमिशन तो ज़रूर ले लीजिए, अन्यथा आपकी एक साल ख़राब हो जाएगी। अब बहुत से साथियों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर क्या 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है इसकी मान्यता ज़्यादा है, या 3 वर्षीय बीए करें फिर 2 वर्ष की बीएड करें उसकी ज़्यादा है। देखिए दोनों में डिग्री मिलेगी आपको, स्नातक प्लस बीएड की शिक्षा में, एजुकेशन की शिक्षा में स्नातक की। तो आप एक चीज़ क्लियर कर लें, बात सिर्फ मान्यता की नहीं है, मान्यता बराबर है, लेकिन जो वर्ष है एक साल की इसमें बचत हो रही है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में इसमें, क्योंकि एक साथ यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो 4 साल में आपको बीए प्लस बीएड या बीएससी बीएड करा के ही निकालते हैं। बात सिर्फ एक वर्ष की है, मान्यता की नहीं है, मान्यता बराबर है, और बीएड बंद भी नहीं होगी किसी सूरत में। 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है जिसकी चर्चा आप काफ़ी सुन रहे हैं वो बंद भी नहीं होगी, निश्चिंत रहें। यदि आपके प्लस टू में अच्छे मार्क्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप कॉलेजों में भी एडमिशन ले लीजिए, दुविधा में बिल्कुल मत रहिए। पीटीटी की भी काउंसलिंग करा दीजिए, और पीटीटी काउंसलिंग में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 4800 रुपये रिफंड आपको हो जाएंगे। साथियों आज की वीडियो में ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें लेकर हम हाजिर हुए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और किसी भी प्रकार की और क्वेरी समस्या है तो आप हमें ज़रूर बतलाइए, हम आपकी समस्या समाधान का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।